नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज अपर समाहर्ता भारती राज, जो बहुत ही युवा, बहुत ही स्मार्ट महिला अधिकारी हैं जम्मू जिला में, साथ ही साथ आपने देखा होगा SDM प्रतिभा रानी भी लगातार जनता की सेवा में लगी हुई हैं। आम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। कई दुकानों को उन्होंने सील किया है। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जमुई की जनता सुरक्षित रहे, लेकिन जमुई की जनता बाज आने से रही। कई दुकानदार अभी भी शटर खोलकर ग्राहक को अंदर बिठा के मार्केटिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं धंधा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस ग्राहक को आप बुला रहे हैं उस ग्राहक के साथ क्या स्थिति है आपको पता नहीं। ना ही आप कोरोना को देख सकते हैं, लेकिन ग्राहक को आप देख रहे हैं। हो सकता है अगर 200 रुपये 500 रुपये के लालच में जिस ग्राहक को बुला रहे हैं वो आपके पूरे परिवार को संक्रमित कर। ऐसे में लगातार जो देख रहे हैं आप, प्रतिभा रानी आम जनता से भी अपील कर रही हैं, लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि जनता जागे। इसी क्रम में आज भारतीय राजो अपर समाहर्ता हैं जमुई, उनसे हमारी बात हुई। साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर KK शर्मा से बात हुई है, ड्रग कंट्रोलर भी झाझा में, जमुई में, गिद्धौर में, कई जगह वे लोग औषधि की जाँच कर रहे हैं। आज देखिए सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि कोरोना से संबंधित जितनी दवाइयाँ जो सरकार का गाइडलाइन है वो सारी दवाइयाँ उस स्टोर में है भी या नहीं। उन्होंने अपील भी किया कि ग्राहक लोग जब भी कोई दवा खरीदें तो उसकी पर्ची, उसका बिल निश्चित रूप से मेडिकल स्टोर से मांग करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी जमुई के वासियों से अनुरोध है कि जब भी आप लोग दवाई लें तो आप लोग कैश मेमो ज़रूर लें। इससे ऑथेंटिसिटी पता चलता है दवाई का, और जो शॉपकीपर है उन पर भी कड़ी नज़र रहता है कि वो लोग सही मात्रा में दे रहे हैं और सही प्राइस पर दे रहे हैं। इससे ब्लैक होल जितना भी काला बाजारी है इस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। तो आप सभी से अनुरोध होगा घर से कम निकले जब तक आपको ज़रूरत ना हो, और जब भी दवाई लें तो कैश मेमो के साथ लें और सुरक्षित रहें। और जब भी आप सोशल मोबिलाइजेशन भी करें, जब भी आप अगल बगल किसी लोग को देख रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उन लोगों को भी बोलिए। आज हर एक इंसान का पार्टिसिपेशन का ज़रूरी है, क्योंकि एक से सबको फैलेगा। अगर आप सामने वाले को नहीं बचाइएगा तो आप भी मारे चले जाएंगे। मैडम, दवा दुकानदारों को भी कुछ निर्देश दिया गया है क्या? हाँ, दवा दुकानदारों का हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसमें यही देखा जा रहा है कि ये लोग ब्लैक होर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं, कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं, साथ कैश मेमो के साथ वो लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं दवाई, इसके साथ ही उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, जो बेसिक एसेंशियल मेडिसिन है वो लोग उस मेडिसिन को दे रहे, वो स्टॉक है या नहीं है उनके पास, किसी मरीज को जो बेसिक एसेंशियल मेडिसिन है उसके कमी के कारण डेथ ना हो जाए। जी जी, सबसे मैंने एक मैंने पहली बात ये है कि COVID-19 से हमें जितनी दवाइयाँ उसको होनी चाहिए। हाँ, जितनी भी कोविड रिलेटेड एसेंशियल ड्रग्स हैं वो सब हर मेडिसिन शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो लोग लोकल सप्लायर और जहाँ से भी उनको होलसेल प्राइस से मिल रहा है तो वो लोग उसका उपलब्धता करवाए। मैडम, आपका परिचय? मैं भारती राज, बड़ी उप समाहर्ता जमुई। थैंक यू। पर झाझा में बस जिलाधिकारी के द्वारा एक टीम गठित की गई है ताकि औषधियों की कालाबाजारी, जमाखोरी इत्यादि पर लगाम लगाया जा सके। जी जी। और आम जन को या मरीजों के परिजन को कोरोना के संबंधी दवा के लिए भटकना ना पड़े और सभी दुकानों में उसकी दवा सुलभ हो सके। जी जी जी। इसकी निगरानी के लिए ये टीम गठित की गई है और इसी का जांच कर रहे हैं हम लोग, ताकि गुणवत्तापूर्ण दवा और सुलभता से आम जन को उपलब्ध हो, ये हम दुकान में सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। और कई MRP से अधिक भी दाम नहीं लगे इसके लिए भी। हाँ हाँ, तो वो तो निश्चित है, तो उससे ज्यादा होगा तो कालाबाजारी की बात हो जाएगी। जी जी जी। फिलहाल इस कोरोना काल के समय में मतलब ग्राहकों को बिल के साथ दवा दिया जाए? बिल के साथ दें बेहतर है जी, लेकिन दवा की कमी ना होने दें। जी जी। और गुणवत्तापूर्ण दवा, ऐसा नहीं कि उठा पटक कुछ भी लाए और दे दिए और उससे कुछ फायदा ही मरीज को ना हो। जी जी। तो सही गुणवत्ता की दवा जी जी मरीजों को दें। अब बिल से देना ये तो सुनिश्चित कर, तो ड्रग एक्ट में ही है। जी जी। बिल जी। पे दवा लाना और बिल पे बेचना ये ड्रग एक्ट का ही हिस्सा है। सर, आम जनता के लिए कोई संदेश है? आम जनता के लिए बस एक संदेश कि अगर उनको दवा मिलने में कोई शिकायत होती है तो ये मैसेज ड्रग ऑफिस को दें, और दूसरी चीज़ बिल जरूर लें।
दो मिनट ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वो हर दुकान से कैश मेमो जरूर लें अपना, वही उनके दवा की सही क्वालिटी का एश्योरेंस होगा। बिल्कुल। तो टीम में कौन कौन शामिल है? टीम में है वरीय उपसमाहर्ता भारती राज जी, जो कि टीम के अध्यक्ष हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर श्री उदय शंकर जी, और औषधि निरीक्षक जमुई के शर्मा, और हमारे पुलिस दल के सहायक अवर निरीक्षक हैं वसंत झा जी। ये चार सदस्यीय टीम गठित है। और एक चीज़ और, ऐसे दवा दुकान में अभी भी सर सर्कल नहीं मारा गया है सर, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंस के दवा दुकान होंगे सर, एक दो दुकानदार अभी तो देख रहे हैं कि यहाँ पे है लगा हुआ, लेकिन कई ऐसे दुकान है सर, एक दो दुकान छोड़कर बाकी ऐसे कई दुकानदार हैं सर जो सर्कल नहीं मारे। देखिए सर्कल लगाना तो एक क्या कहें, वो फॉर्मेलिटी की बात हो जाती है कि वो सर्कल है सर्कल पे, सर्कल लगा भी दीजिए लोग खड़ा ना हो उस हिसाब से, जी जी उसका कोई मतलब नहीं। दुकानदार भी हाँ, दुकानदार को भी जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही दुकानों में लें। अरे तो आप लोगों को सब पता ही है कि SMS कहा गया है, सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग, ये बेसिक हमारा है प्रोटोकॉल में, इतना कीजिए। और थैंक यू सर।